जी अली साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। फर्स्ट लेवल ऑफ पैनल इंटरव्यू ने आपको मेरे पास नेक्स्ट लेवल के लिए रिकमेंड किया है। जी सर, सीवी में आपका देख रहा था, सीवी तो आपका काफ़ी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सपीरियंस भी अच्छा है और रेलेवेंट भी है। आई थिंक आप हमारी कंपनी के लिए एक मीनिंगफुल एडिशन होंगे। थैंक्स अ लॉट सर। सो वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वंस अगेन। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? सर इंशाल्लाह मैं कमिंग मंडे को ज्वाइन कर सकता हूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें, मैं अपने स्टाफ से कह देता हूँ, वो आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। श्योर, दो तीन दिन में आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। ये रहा साहब, मैं अली साहब का आपके पास भेज रहा हूँ, ये नेक्स्ट मंडे से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह इशू कर दें। थैंक यू। Welcome once again. Thank you very much, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. आपने आज ही ज्वाइन किया? जी जी, आज ही ज्वाइन किया। किस डिपार्टमेंट? मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम जावेद है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अली है। अली साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। बस थोड़ी देर में दफ्तर से निकल रहा हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। कुछ लेके आना है? जी, आज खाने में कुछ नहीं पका। क्या, आज कुछ नहीं पकाया? आज आपकी नई नौकरी का पहला दिन है, आज खाना बाहर से लेके आए। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा बताओ क्या खाना? सोचने दें। अरे मैंने तो समझा तुमने खाने के बारे में सोच लिया होगा। ऐसा करें, आप बताएं आप क्या खाना चाहते हैं। चलो मैं दो ऑप्शन देता हूँ, पिज्जा या चाइनीज। पिज्जा ले आए। ठीक, बल्कि ऐसा करें चाइनीज ही ले आए। एक बार फिर सोच लो। अच्छा, फिर पिज्जा ही ले आए। ऐसा करते हैं कि आज पिज्जा खा लेते हैं, कल तुम घर में चाइनीज बना लेना। ये ठीक है, चले मैं आपका इंतजार करती हूँ। ठीक, रखता हूँ। अली साहब, गेस्ट रूम में बैठे हैं आप, मैगजीन पढ़ रहे हैं? बस वैसे ही टाइम पास कर रहा था। आप बताएं क्या हाल है आपका? मुझे आज ही किसी ने बताया कि आप मेरे शहर मुल्तान से। जी मैं मुल्तान से। तो भाई फिर तो आपको मेरे घर दावत पे आना पड़ेगा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, वैसे आपकी शादी हुई भी है? जी मेरी शादी हो चुकी। अरे फिर तो आपको भाभी को भी साथ लाना पड़ेगा, मेरी वाइफ आपकी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होंगे। और बच्चे हैं आपके? नहीं अभी नहीं। चले वो तो अल्लाह की देर होती है, लेकिन आपने भाभी से पूछे मुझे लाजमी बताना। भाभी? चले मैं बताऊंगा। आप जावेद को क्या जवाब? तो इनकार कर दें। कोशिश की थी मगर वो नहीं माना। फिर उन्हें सच बता दें। सच? आपको तो पता है हमारे घर के माहौल का, हमारे घर की औरतें गैर मर्दों की दावतों में शरीक नहीं होती। आजकल का माहौल बड़ा खुल गया है, ऐसा ना वो हमारी मजबूरी ना समझ सके और जोर देता रहे। मैं उसको इस माहौल के बारे में नहीं बताना चाहता। फिर कोई बहाना बना दे। बहाना तो बना दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से जान छोड़ेगा। फिर भी अगर अगली दफा उसने जोर दिया तो फिर देखूंगा। अली को जो फाइल आपने मांगी थी वो मैंने आपको भिजवा दी थी, मिल गई थी आपको?
जी फाइल तो मुझे मिल गई है। जबरदस्त, तो इसके अलावा कुछ चाहिए तो मेरे से मांग लीजिएगा। जरूर, जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूँ। तो आपने भाभी से पूछा फिर? भाभी से किस बारे में? दावत के बारे में। ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक्चुअली वो जो है ना कुछ दिन के लिए मैके जा रही है। खैरियत? दरअसल उसके वालिद की तबीयत खराब है। अल्लाह बेहतर करे। लेकिन वो जब भी वापस आएंगे आपने लाजमी उनसे दावत के बारे में पता करना। अल्लाह उनके वालिद को सेहत अता फरमाए। आमीन। मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। ये जावेद साहब ना पीछे ही पड़ जाते हैं, इनको ज्यादा लिफ्ट ना कराया करें। अली साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यार वैसे ही खड़ा। आइए फिर लंच के लिए चलते हैं। यार मेरा कुछ लंच का प्रोग्राम नहीं है, आप लोग चले जाएं। यार मूड तो हमारा भी नहीं है, तो इसका करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं फिर। अली साहब आपको पता है अदनान की मंगनी होगी है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात हुई। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। खुशी की बात है माशाल्लाह। शादी कब कर रहे हो? बस अली साहब घर वालों का तो प्रोग्राम था कि 2-3 साल तक करेंगे, मैंने कहा जल्दी करवा दे। अच्छा यार शादी जल्दी हो जाए, कम से कम खाना तो घर से लाओगे। सही बात है यार, बाजार का खाना खा के तो मैदा ही खराब हो गया। वैसे अली साहब आपकी भी तो शादी हुई हुई, तो भाभी आपको खाना नहीं देती? यार पहले तो मैं खाना घर से ही लेके आया करता था, मगर कुछ अरसे से मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहने लगी है, अब मैं फिर लंच बाहर से ही कर लेता हूँ। वाह अली साहब, आप तो भाभी का बड़ा ख्याल रखते हैं यार। ख्याल तो रखना पड़ता है यार। सुन ले अदनान, यार कोल्ड ड्रिंक्स तो दे दे। अली, हमने वो दफ्तर के स्टाफ के लिए कुछ केक पेस्ट्री मंगवाई हैं, आए हमें ज्वाइन करें। यार ये फिर से कहीं घर बुलाने की दावत ना दे दे, इससे जान छुड़ाता हूँ। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एक रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करें। आपके लिए यहाँ कुछ भिजवा देते हैं। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स। लगता है बड़े बिजी हैं आप आज। चलें कंटिन्यू करें। अली आप आते हैं जरा मेरे पास। अमेन जी सर बैठिए। मैं ये रिपोर्ट देख रहा था जो आपने बना के मुझे सेंड की है। जी सर। ये तो मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। क्यों सर? इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सर लेकिन मैंने इसमें डाटा तो सारा डाल दिया था। यार अली देखें, बात सिर्फ डाटा की नहीं होती, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए एक देखने वाले को अपनी तरफ खींचे। आप जैसे एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स से मैं ऐसी रिपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब जाए सर, जाके दोबारा मुझे कल सेंड कीजिए। जी सर। हेलो, आप आज अभी तक घर नहीं आए? बस दफ्तर में थोड़ा सा मसरूफ हो गए। बाहर खाने का प्रोग्राम तो नहीं बना दिया? नहीं ऐसा तो कोई प्रोग्राम नहीं, बस मैंने यही बताना था आज आपकी पसंद का खाना बनाया चिकन चिली राइस, तो खाना आप घर आके खाइएगा। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे भूख ही मर गई हो, लेकिन चिकन चिली राइस भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। बस फिर जल्दी से आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक।
हेलो अली, क्या हाल है? हेलो, कैसे हैं आप जावेद? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाए? शुक्र लगा, आप बताइए। भाभी वापस आ गई? कहां से? वो मैके गई थी ना। हाँ, वापस आ गई। अच्छा, तो फिर कैसे रखे दावत? अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो एक्चुअली उसकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब है। खैरियत? यही फ्लू वगैरह। अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए कोई नहीं, जब वो ठीक होंगे तब मिल लेंगे। ओके, ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज़। क्या मुसीबत है यार। यार तो संडे को भी ऑफिस वाले कहां पे बुला लेते हैं, इनको बिल्कुल चैन नहीं। लेकिन खैर ये है कि संडे को बॉस की कुर्सी मिल जाती है। काम तो खत्म हो गया, अब क्या करें? मेरे ख्याल से अली की तरफ जाना चाहिए, उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, हाल पूछ लेना चाहिए। अली साहब, कैसे हैं आप? जावेद, तुम यहाँ? वो मैंने सोचा आपकी वाइफ की तबीयत खराब है तो हाल पता कर लो। यार अली साहब, आपके मोहल्ले के बच्चे बड़े शरारती हैं, पटाखा फोड़ते हैं। यार मेरे बच्चे ने बड़ा शरारती है, शरारती तो आपने बड़ी की होंगी अली साहब बचपन में। अली साहब, अली साहब, अली साहब, अली साहब, अली साहब, ये सब ठीक है आप? अली साहब, कोई 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 है यहाँ पे? भाभी, अली साहब, भाभी, 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 जी मैंने आपको एड्रेस बताया, वहां पे एम्बुलेंस जल्दी से भिजवा दें। यार ये भाभी कहां पे? एक दफा फिर देख के आता हूं।